हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल दोस्त। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार। तो आज एक और अनबॉक्सिंग लेके आया हूं। आज जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, एक माइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, ये डिलीवर हो गया है। बहुत ही सस्ता माइक है, तो मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके इसको खोल के इसकी क्वालिटी चेक कराऊंगा कि ये बाकी में सस्ता है मगर ये काम का है नहीं, क्योंकि इसके जो रिव्यू थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मुझे लगा इतना सस्ता माइक और इतने अच्छे रिव्यू तो मंगा के देखना चाहिए, इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहिए, आप लोगों को डिटेल में इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो इसको मैंने ऑर्डर कर दिया है, डिलीवर हो गया है। अब मैं जो इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करूँगा, पूरा डिटेल में आपको यूज करके पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा वीडियो एंड तक देखें। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये बहुत ही सस्ता माइक है, मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्टली माइक नहीं लिया हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिया है इसको, रिजनेबल प्राइस में। और एक्चुअली मैंने स्पेशली इसीलिए मंगाया कि मैं इसका रिव्यू करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास इससे पहले जो माइक है बोया का माइक है, और ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता माइक है, मैं खोल के आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो जिस माइक की बात कर रहा था मैं, तो एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही कम है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के वीडियो शूट करते हैं तो इसकी जो केबल है वो 1 मीटर की है, मतलब मैं अगर मोबाइल में लगाता हूँ तो मेरे यहाँ तक पहुँचेगी, मतलब जो भी मेरी ट्राईपोड और मेरी जो डिस्टेंस है उसके लिए पर्याप्त है। अगर उससे दूर के अगर आप वीडियो शूट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए नहीं है ये। तो मैं आपकी लेंथ दिखा देता हूँ, 1 ही मीटर है इसकी। और इसमें ये छोटा सा माइक है और ये एक क्लिप निकली है, तो एक्चुअली यहाँ पर फंस जाएगा। मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ इस तरीके से, एक क्लिप में यहाँ फंस गया है, और इस क्लिप को आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इंजीनियर थोड़ा कपड़े वपड़े का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं जैसा हूँ, देसी हूँ, जैसा हूँ वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो मैं इतना तैयार होकर सस संभल के नहीं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और ये मैंने परसों ऑर्डर किया था तो आज ये डिलीवर हो गया। तो अब मैं इसका साउंड सुनाता हूँ आपको, आगे का जो वीडियो है मैं माइक से शूट करके दिखाता हूँ। सर, मैंने माइक को सेट कर लिया है और अभी का जो वीडियो है वो ओपन कैमरा में मैं बना रहा हूँ। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये माइक की आवाज़ है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आपने माइक ख़रीदा है और आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है आपको। नॉर्मल मोबाइल के कैमरे में माइक काम नहीं करता है तो उसके लिए एक ओपन कैमरा ऐप है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो माइक ओपन कैमरा ऐप पे ही काम करता है। यदि आप परेशान हैं कि आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ओपन कैमरा डाउनलोड करना है और अपना जो वीडियो शूट करना है वो ओपन कैमरे में करना है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ओपन कैमरे में बन रहा है। इससे पहले जो मैंने वीडियो वो नॉर्मल कैमरे से बनाया था, तो क्योंकि माइक जो काम करता है वो ओपन कैमरे में सपोर्ट करता है, तो आप ओपन कैमरा डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके आप अपने माइक से वीडियो बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये छोटी सी अनबॉक्सिंग, छोटा सा वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से मेरे अनबॉक्सिंग के वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।